शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 4 हॉकी का जादूगर का पेज नंबर 20 करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि इस पेज नंबर 20 में जो हमें बताया गया है, जो हम पढ़ेंगे, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल शिक्षा क्रांति पर सबसे पहले आए हैं तो इस मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो शुरू करते हैं पेज नंबर 20। ओलंपिक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतियोगिता होती है। तो बच्चों, सबसे पहले हमें ओलंपिक का पता होना चाहिए कि ओलंपिक कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ और कैसे ये खेल खेले जाते हैं, इसमें कौन कौन हिस्से लेते हैं। तो चलो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। ओलंपिक जैसे इसमें दिया है कि ओलंपिक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतियोगिता होती है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों होती है? क्योंकि इसमें दुनिया के जितने देश हैं उन देशों में से हजारों खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं, और वहीं से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं और अपने देश की शान बढ़ाते हैं। तो ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। ओलंपिक खेल विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता होती है। तो ये सबसे बड़ी विश्व की खेल प्रतियोगिता होती है, जिसमें कई देशों के हजारों खिलाड़ी विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। तो इसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। ओलंपिक खेल सबसे पहले सन 1896 में एथेंस में शुरू हुए थे। तो बच्चों, ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे? 1896 में, और कहाँ हुए थे? एथेंस, यूनान में शुरू हुए थे। और इसमें जैसे बताया है कि प्रत्येक देश के कोई ना अलग अलग खेल के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ये कब होते हैं? ये 4 साल में एक बार होते हैं। ओलंपिक खेल 4 साल में एक बार होते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। तो हॉकी के अंदर भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत की ओर से व्यक्तिगत जो स्वर्ण पदक है वो अभिनव बिंद्रा भी एक खिलाड़ी है। और व्यक्तिगत क्या होता है? जैसे हॉकी टीम गेम है, इसके अंदर एक से ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, और अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग के अंदर व्यक्तिगत का मतलब होता है कि अकेले ने, इसके साथ कोई और खिलाड़ी नहीं, अकेले ने स्वर्ण पदक जीता था। तो ये था ओलंपिक के बारे में कि ओलंपिक का खेल कब शुरू हुआ। ओलंपिक का खेल 1896 में एथेंस में शुरू हुआ था, और अब तक सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक कौन से गेम में जीते हैं इंडिया ने? हॉकी के अंदर। और व्यक्तिगत जो स्वर्ण पदक है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता है। इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष बाद होता है। सन 1956 में ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 1956 में। ये एक पद्म भूषण एक सम्मान है जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में विशेष अतिथि के रूप में ध्यानचंद को आमंत्रित किया गया। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक, ये हर 4 साल के बाद जो ओलंपिक खेल होते हैं ये अलग अलग स्थान पर होते हैं, कभी किसी देश में, कभी किसी देश में, और उन देशों में भी अलग अलग स्थान पर होते हैं। तो 1972 में म्यूनिक ओलंपिक, जो म्यूनिक की जगह पर ओलंपिक हुआ था, उसमें विशेष अतिथि के रूप में ध्यानचंद को आमंत्रित किया गया था, क्योंकि ध्यानचंद भारत के बहुत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे और पूरे विश्व में उनके नाम का डंका बजता था, इसलिए उनको अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। लेकिन आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से वे सम्मान प्राप्त करने नहीं पहुँच सके थे। आर्थिक स्थिति का मतलब उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो पैसे खर्च करके म्यूनिक तक जा सके, इसलिए वो सम्मान लेने
नहीं जा सके। भारत सरकार ने ध्यानचंद के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया है। तो भारत सरकार ने उनके सम्मान में उनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया है। आपने देखा होगा बच्चों, जब हमारे घर में कोई पत्र आता है, कोई लेटर आता है, तो उसके ऊपर एक डाक टिकट लगी होती है और उन डाक टिकटों पे अलग अलग चित्र होते हैं। तो एक डाक टिकट ऐसा भी भारत सरकार ने जारी किया जिस पर ध्यानचंद का चित्र था। उनके जन्मदिवस 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। तो उनका जन्मदिन कब है? 29 अगस्त को, और 29 अगस्त का जो दिन है वो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी का गौरव ध्यानचंद के परिवार ने भी खूब बढ़ाया। केवल ध्यानचंद ने नहीं, जो हॉकी है उसका गौरव उसके परिवार ने भी खूब बढ़ाया। उनके पुत्र अशोक कुमार ने सन 1975 के विश्व कप में गोल करके भारत को हॉकी में विश्व विजेता बनाया था। तो उनके जो पुत्र थे जिनका नाम अशोक कुमार था, उन्होंने 1975 के जो विश्व कप हुआ उसमें गोल करके भारत को हॉकी में विश्व विजेता बनाया। विश्व विजेता का मतलब हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाया। हॉकी से संन्यास के बाद भी ध्यानचंद को विदेशों से कई अच्छे प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने धन के लिए देश नहीं छोड़ा। तो जब हॉकी खेलना छोड़ दिया, संन्यास का मतलब क्या हुआ बच्चों? हॉकी खेलना जब उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद विदेशों से कई अच्छे प्रस्ताव आए। कैसे प्रस्ताव आए होंगे? कि हमारी टीम के जो खिलाड़ी है आप उनको भी आप जैसा खिलाड़ी बना दो। ऐसे प्रस्ताव आए होंगे कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमारे जो टीम है उसके कोच बन जाइए, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दीजिए ताकि हमारे देश के खिलाड़ी है वो भी स्वर्ण पदक जीत पाए। परंतु उन्होंने अपने देश के लिए देश नहीं छोड़ा, अपने देश के लिए अपना देश नहीं छोड़ा, उन्होंने धन के लिए अपना देश नहीं छोड़ा। उन्होंने राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में ही प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। कहाँ कार्य किया? पटियाला में। और प्रशिक्षक क्या होता है? ट्रेनर, जो ट्रेनिंग देता है वो है प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। 3 दिसंबर 1979 को दिल्ली के एक अस्पताल में हॉकी के इस जादूगर का निधन हुआ। और 1979 में दिल्ली के एक अस्पताल में इस हॉकी के जादूगर का निधन हुआ। मेजर ध्यानचंद ने झांसी के हीरो ग्राउंड पर हॉकी खेलना शुरू किया था। उनका अंतिम संस्कार भी इसी हीरो ग्राउंड पर हुआ था। तो सबसे पहले मेजर ध्यानचंद ने कहाँ पे शुरू किया हॉकी खेलना? झांसी के हीरो ग्राउंड पर, और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो बच्चों, आज हमने पेज नंबर 20 और इस पाठ का आखिरी हिस्सा पढ़ा है। तो आज बस इतना ही। अगली वीडियो में इसका हम अभ्यास करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे, शब्द अर्थ करेंगे। तब तक बाय बाय।